day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्रणाम। मैं रेखा सिन्हा अपने चैनल रेखा सिन्हा स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। अभी शाम का वक्त है और मैं बना रही हूँ इवनिंग स्नैक्स चनाचूर। आप लोग सब नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है और बिहार में खास करके। तो मैं मार्केट से चनाचूर ले आई थी, बस उसमें मैं प्याज वगैरह मिला दे रही हूँ। जैसे मार्केट में बना के देता है ना, वैसे ही बना ले रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैंने डाला है इसमें नींबू, काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और सरसों तेल। बस उसको अच्छे से मिला लिया है और मेरी चनाचूर जो है वो रेडी हो गई है। चनाचूर खा लेंगे और उसके बाद चाय पी लेंगे। अभी हस्बैंड भी आए हुए हैं तो साथ साथ में सब काम होगा, बातें भी होंगी और बहुत अच्छी सी, मतलब कि बहुत कम टाइम होता है कि साथ में इवनिंग स्नैक्स और चाय पी लेते हैं हम लोग। तो बस इसके बाद आज की जो वीडियो में है ना, हम मैंने दो DIY बनाया जो शायद आप लोग को यूनिक लगे या जैसा भी लगे। आप लोग कमेंट्स करिएगा, अपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कुछ तो यूनिक ज़रूर लगेगा आपको। और ये वेस्ट कार्डबोर्ड से है और एक वेस्ट मिल्क कैन से मैंने बनाया है। तो दोनों कुछ तो बहुत ही उपयोगी है, आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। तो और वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो में, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो शाम का इवनिंग स्नैक्स तो बन गया हमारा। खाने के बाद मैंने एक कैन था जिसको मैंने पहले ना गोल्डन स्प्रे पेंट किया था, पर सुंदर नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसे ब्लैक पेंट कर दिया। और आगे देखिएगा मैंने इसके साथ क्या क्या किया है, तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। और एक मेरे पास है पुराना सा कार्टून, दो कार्टून है जो बहुत दिनों से अमेजोन से मैंने मंगवाया था, पेंटी का सामान वो था। तो दो कार्टून को मिला करके मैं कुछ सोची हूँ और बनाऊँगी इसको, तो वही मैं देख रही हूँ। तो ये छोटा कार्टून है, एक बड़ा सा कार्टून है, यही दोनों कार्टून से मैं कुछ DIY करूँगी। और जब ये बन के आया ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत उपयोगी भी, तो इसी में मैं लग रही हूँ। तो इसको बताना क्या है आप देखिए, इसको समझ जाएंगे। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने गम का सहारा नहीं लिया है, मैंने थोड़ा थोड़ा सिलाई कर दिया है इसको, जिससे ये काफ़ी मजबूत हो जाता है और बहुत अच्छे से सिलाई भी हो जाती है। जैसे कि कपड़े सिलाई करते हैं, बस उसी तरीके से आप इसको सिलाई कर दें। और कहाँ कहाँ सिलाई करनी है वो तो आप वीडियो देख के समझ जाएंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है।
वाले बॉक्स को मैंने पीछे से चिपका दिया है फेवी ग्लू से, और उसके बाद चारों तरफ से मैंने छोटे छोटे टांके डाल दिए हैं ताकि मजबूती से बीच में टिका रहे। तो ये बहुत अच्छा मतलब कि तरीका है जिससे ये ना बिल्कुल भी मतलब निश्चिंत हो जा सकते हैं आप कि ये कभी भी गिरेगा। गम तो थोड़े दिनों के बाद छूट भी सकता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं छूटता है। और ये मेरे पास कुछ बचे हुए वॉलपेपर थे जिसको मैंने इसमें चिपका दिया, इससे बहुत ही मजबूत हो जाएगा, पानी वगैरह से भी बच जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल पेपर या कुछ भी आपके हिसाब से या कपड़ा भी चिपका सकते हैं अगर आपके पास बचा हुआ हो तो। तो बस ये तो तैयार हो गया था, अब बस नीचे लगाना था इसका जो चाहता कि ये नीचे पानी वानी से बच जाए। तो मैंने लगा दी ये चार ढक्कन जो कि सॉस के थे, और ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। और बस रात में 1:30 बज गया था बनाते बनाते, और ये सुबह का है जो मेरा नॉर्मल रूटीन होता है, सुबह उठी हूँ अभी 6:30 बज रहे हैं और बस सुबह सुबह के कामों में लग गई, घर की साफ़ सफाई में। करने के बाद मैंने पूरा घर झाड़ू पोछा कर लिया और फिर नहा करके पूजा वूजा करके मैंने खाना खा लिया है। और उसके बाद एक पार्सल आ गया था, मैंने मंगवाई थी मेहंदी की स्टेंसिल, तो जब मेहंदी लगाऊंगी ना तो बताऊंगी ये कैसा काम करता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया, कभी मैंने यूज़ भी नहीं किया इसका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने मीशो से मंगवाया है, 150 रुपये का पड़ा है ये, तो फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने सस्ता वाला मंगवाया है ताकि बाद में देखना है कि कैसा काम करता है, फिर अच्छा वाला मंगवाऊँगी। तो अभी तो ये देखने से ठीक लग रहा है, कल मेहंदी लाऊंगी और जाऊंगी फिर लगाऊंगी और आप लोगों को रिव्यू देंगी कैसा था। उसके बाद मैंने बना लिया है केक, और ये केक मैंने बनाया है कंडेंस्ड मिल्क से। बहुत सारा दूध बच गया था तो मैंने 3-4 दिन पहले उसको गाढ़ा कर दिया था, तो सोचो क्या करूँ कौन सी मिठाई बनाऊँ, मालपुआ वगैरह बहुत ऑयली हो जाता है। तो मैंने केक बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया हूँ, लेकिन इतना स्पंजी बना और इतना टेस्टी था कि आपको क्या बताएं। तो आप लोग भी मिल्क मेड का केक जो है वो ट्राई करें, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूंगी, वैसे यूट्यूब पे तो जानते हैं सारा कुछ है पहले से ही। और बस ये कैन जिसको मैंने रात में पेंट करके अब सूख गया, अब थोड़ा सा मैंने इसमें डॉट बना दिए हैं चारों तरफ से, और मैंने पेंसिल से मुझे डिज़ाइनिंग जो है ना वो कर ली है, मुझे क्या डिज़ाइनिंग देनी इस तरह से। तो बस अब इसी डिज़ाइन के ऊपर काम करना है और दूसरा जो DIY है मेरा रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को ये DIY कैसा लग रहा है, क्या ये यूज़फुल है आप लोगों के लिए। और बहुत ही सिंपल, मेरे जितने DIY है ना बहुत सिंपल रहते हैं, बिल्कुल तामझाम नहीं, फटाफट से बनने वाले DIY होते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा ना बहुत लेंदी प्रोसेस पसंद नहीं है। और बस ये लगभग अब तैयार हो गया है, तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अब वीडियो को वहीं पे समाप्त कर रही हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।